भारत माता की जय। और जोर से भारत माता की जय। स्टैंडिंग ओवेशन लेना चाहते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन को कैसे हो गया? कल आप हम सभी ने देखा है, हमारे देश के साइंटिस्ट पूरे विश्व में एक अनोखा कारनामा किया है। आज तक पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े स्पेस के भारतीय देश थे, अमेरिका, जापान, चीन, रूस, उन्होंने भी आज तक दक्षिण ध्रुव जो है साउथ पोल चंद्रमा के वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाई। और जब हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ, असफल क्या, सफलता के करीब पहुंच के उसको हम असफल ही मान रहे हैं, लेकिन जो उस समय की स्थिति थी हमारे देश में, मैं समझता हूँ सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गया होगा। और कल जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग साउथ पोल पे हुई तो पूरे देशवासियों के आंखों में खुशी के आंसू मैंने टीवी में, अपने घर परिवार में, पड़ोस में सब जगह देखा। वास्तव में ये क्षण हमारे देश के लिए, आप और हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। पूरी दुनिया में आज भारत स्पेस का सबसे अग्रणी देश बना हुआ है। आज की डेट में अभी मैंने देख रहा था कि अमेरिका के स्पेस सेंटर वाले भी भारत को प्रपोजल भेजे हैं कि आप हमारे साथ मिलकर अंतरिक्ष कार्यक्रम में हिस्सेदारी करिए। उसको अभी भारत हमारे देश ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और मैं इसी संबंध में हम लोग चर्चा पांडे जी, हम लोग डायरेक्ट लाइव जुड़े रहते हैं जब चंद्रयान का सफल लैंडिंग चल रहा था, 6:04 का टाइम था। हम लोग बहुत स्पीड से यहाँ से कॉलेज से भागते हुए बिलासपुर पहुँचे और तुरंत उसी स्थिति में टीवी के सामने बैठ गए और उस रोमांच को देखा। वास्तव में ये बहुत वर्षों बाद इस तरह की खुशी हमको प्राप्त होती है और हम सबको इसको उत्साह के साथ मनाना चाहिए। हम अपने आप को गौरवान्वित समझना चाहिए कि हमारे देश के साइंटिस्टों ने इतना बड़ा कारनामा किया, असंभव को संभव बनाया। एक समय यह था कि हमारे साइंटिस्टों को कहा जाता था कि आप गाय बकरे लेके हमारे स्पेस में मत आ जाए करो, ये अमेरिका और रूस के शब्द हैं। और उस जो बेइज्जती से आज हमको हमारे साइंटिस्टों ने निकाल के स्पेस साइंस सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, उसके लिए हम चाहेंगे कि हम सभी लोग उनके सम्मान में तालियों से उनका स्वागत करें और देश को गौरवान्वित करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें। मेरे को भी थोड़ा कम मजा आया। कारण क्या था, मैं सोच रहा कि बहुत ही थोड़ा रोमांचक होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा लगा कि प्लेन जाकर के एरोड्रम एकदम धीरे से, कोई मतलब कुछ हलचल नहीं, अब इतना मीटर और चुपचाप जाके विक्रम लैंड कर दिया, आसानी से लैंडिंग कर दिया। इतनी सॉफ्ट लैंडिंग है ना, थोड़ा बहुत तो हार्ड लेकिन इतना मतलब कैलकुलेटेड था कि मिनट और सेकेंड में जो उन्होंने सोचा था उतने ही मिनट और सेकेंड में लैंड किया। जितना वर्टिकल होना था, जितना हॉरिजॉन्टल होना था, जितने मिनट जितने सेकेंड जो स्पीड पकड़ना था, सब कैलकुलेटेड। और 6 चक्कर लगा था सर, गड्ढों का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए 6 चक्कर लगा था। अरे उसे लेजर में चक्कर नहीं लगा था, लेजर में चक्कर नहीं लगा था। ठीक बोल रहे निकलेगा, वो क्या बोलते उसको, प्रज्ञान। सॉरी सर, तो हम अपने सभी वाकई में स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन। सबसे पहले पांडे सर।
हमारे सबसे सीनियर मोस्ट एक नहीं होगा बहुत जल्दी चाहते तो ये हमारे गवर्नमेंट ग्राम्य भारती हरदी बाजार कॉलेज में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष में सारे जो हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं वो मिठाई बांट रहे हैं कॉलेज में। ले लो, आप ले लो ना, आप ले लो, यहाँ रखो, खिलाओ ना सर को, खिलाओ ना, दिख रहे आप लोग देख रहे हो, मिला नहीं अभी तक। मिल जाएगा। कोई बच रहा है।